हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 13 साउंड के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग लास्ट में देख लेंगे। चलिए पहले देख ही लेते हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं बुक में, आपको उसमें से ना करेक्ट आंसर चूज करना है। तो पहला जो है इसमें पॉइंट आता है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। साउंड किस किस से ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, आवाज़ जो है वो आवाज़ को ना ट्रैवल करने के लिए, साउंड है ना, उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे कि मीडियम हो सकता है सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तो कोई भी मीडियम ज़रूर होना चाहिए। अगर मीडियम नहीं होगा ना तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। देखिए, वैक्यूम एक चीज़ होती है। वैक्यूम ऐसी जगह होती है जहाँ पर हवा भी नहीं होती, बिल्कुल खाली, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है ना, उस चीज़ को हम वैक्यूम कहते हैं। तो साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस या कोई भी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साउंड कैन ट्रेवल टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। तो देखिए, एक मैन की, एक आदमी की आवाज़ जो है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। एक होता है देखिए हमारा फ्रीक्वेंसी और एक होता है एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, तेज़ आवाज़ होती है ना, बहुत ही, जिसकी बहुत शरल सी आवाज़ होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो मैन की आवाज़ जो है ना वो भारी होती है, भारी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी कम होती है। तो मैन की मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है, विमेन की आवाज़ की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स पिच। मैंस वॉइस इज ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन कंपैरिजन टू अ बॉय, गर्ल और अ वुमेन्स वॉइस। तो जो फ्रीक्वेंसी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पिच के। जितनी ज़्यादा पिच होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। मैन की वॉइस की फ्रीक्वेंसी भी कम होती है और पिच भी कम होती है। तो ये टिक द करेक्ट ऑप्शन थे। अब देखते हैं ट्रू फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको जो था कि साउंड किस किस में ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है बिल्कुल खाली, जहाँ पर हवा भी ना हो, वो चीज़ होती है वैक्यूम। तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नहीं भाई, फॉल्स है ये। क्यों फॉल्स है? क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ हिल रही है। तो कोई चीज़ कितनी बार ऑसिलेट करती है एक सेकंड में ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। वाइब्रेट करने का मतलब है हिलने वाला ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितनी बार वो हिलता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं? नहीं नहीं, इस चीज़ को हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो इसमें बोला है टाइम पीरियड कहते हैं, तो फॉल्स हो गया, है ना। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड नॉट टाइम पीरियड, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट है, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, साउंड इज फीबल। नहीं भाई, अगर एम्पलीट्यूड ना बड़ा होगा, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा साउंड उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे फीबल जो है ना, फीबल का मतलब होता है कम होना। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड बहुत ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। इसलिए इसमें बोला गया है कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने पर साउंड फीबल होगी, तो ये फॉल्स हो जाता है। साउंड इज फीबल फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड, छोटा एम्पलीट्यूड होगा, कम होगा, तो साउंड काफ़ी हल्की होगी। फिर नेक्स्ट है डी पॉइंट, फॉर ह्यूमन ईयर्स ऑडिबल रेंज इज़ 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन की ऑडिबल रेंज होती है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बड़े होने तक, अगर आप लोग बीटेक करते हैं या फिर साइंस में ग्रेजुएशन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आता है कि ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज कितनी होती है। देखिए, ऑडिबल रेंज का मतलब होता है कितना सुन सकते हैं, मतलब किस लेवल तक की आवाज़ आपको सुनाई आ सकती है। तो 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ की आवाज़ जो है आपको सुनाई दे सकती है। हर्ट्ज़ जो है वो ऐसा ही यूनिट होती है किसी साउंड की, तो साउंड की, हाँ ठीक है। तो मतलब 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ जो है ना आप सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की और 20 हर्ट्ज़ से कम की आवाज़ें आपके कानों को सुनाई नहीं पड़ती हैं। तो इतनी सुन सकते हैं, तो ट्रू है।
नेक्स्ट है द लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज द पिच. जितनी ज़्यादा लोअर होगी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच हाई होगी. बिल्कुल गलत बात है. फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच. तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी पिच भी उतनी ही ज़्यादा होगी. नेक्स्ट है अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक. अनवांटेड खराब सी और जो कानों को खराब लगने वाली साउंड को आप म्यूजिक कहते हैं? नहीं भाई, उसे तो नॉइज कहते हैं. जो प्लीजेंट होती है ना, मतलब जो बहुत ही अच्छी सी साउंड होती है उसको म्यूजिक कहते हैं. जो खराब साउंड होती है उसको थोड़ी ना म्यूजिक कहते हैं. तो फॉल्स हो गया. नॉइज़ पोल्यूशन में एक और स्पाशल हियरिंग इम्पेयरमेंट. तो नॉइज़ पोल्यूशन जो होता है, नॉइज़ पोल्यूशन मतलब जो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें होती हैं, इससे क्या होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है. हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब है आपके, मतलब किसी के कान खराब हो सकते हैं अगर कोई आसपास बहुत ज़्यादा खराब साउंड रहे, बहुत तेज़ साउंड रहे. तो हाँ भाई, ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें हों हर समय तो कानों में सुनने में दिक्कत आ सकती है. नेक्स्ट है हमारा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स. तो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स का, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. बिल्कुल सही बात है. देखिए टाइम पीरियड आएगा इसका आंसर. तो टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेता है एक ऑब्जेक्ट एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में. ये देखिए ऑसिलेशन का मतलब होता है ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे जाना या कोई भी चीज़. तो यहाँ से लेकर यहाँ जाने में किसी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा, कितने ऑसिलेशन वो कंप्लीट कर पाएगा, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है. तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो चीज़ होगी ना उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे. लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. तो जितना ज़्यादा लाउडनेस होगी किसी चीज़ की, जितनी ज़्यादा आवाज़ होगी उतना ही ज़्यादा उस चीज़ का एम्पलीट्यूड होगा. फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. हर्ट्ज की, हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है. मतलब कितनी ज़्यादा किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, कितनी कम फ्रीक्वेंसी है. गति, आप गति कह सकते हैं, कितनी ज़्यादा तीव्रता है किसी चीज़ में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज. अनवांटेड साउंड, जो खराब सी साउंड होती है उसे हम नॉइज कहते हैं. और श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. श्रिलनेस मतलब जो एक तरह से कहते हैं चीख होती है, उसमें श्रिल आवाज़ होती है जो कानों को चुभती है, वो होती है श्रिलनेस. तो श्रिलनेस जितनी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी उस वाइब्रेशन की. तो हमारे ये हो गए ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स. अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स. तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, अ पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 40 सेकंड्स, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. तो एक पेंडुलम है. देखिए पेंडुलम ऐसा होता है, ऐसा करके होता है और नीचे ऐसे करके गोल सा बना हुआ होता है, जैसे कि आपने वॉचेस में देखा होगा. तो ये हमारा पेंडुलम होता है. तो पेंडुलम ऑसिलेट करने का मतलब है ये, मान लीजिए जैसे कि ये एक कोई ऐसे करके फिगर है बनी हुई. तो वैसे तो नॉर्मल आप कोई इसमें सेल वगैरह नहीं होगा मान लीजिए वॉच में, तो पेंडुलम ऐसे रहेगा. ऑसिलेट करने का मतलब है कि पेंडुलम यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा, फिर वापस मूव करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर वापस यहाँ आएगा. तो यहाँ से यहाँ जाकर फिर यहाँ से यहाँ, मतलब इस तरीके से मूव करने में ना एक ऑसिलेशन बनता है एक पेंडुलम का. तो इसमें बोला गया है पेंडुलम जो है ना वो 4 सेकंड में 40 बार ऑसिलेट करता है. मतलब पेंडुलम जो है 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ 40 बार चला जाता है. फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. तो टाइम पीरियड क्या होगा उस ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी की, मतलब जो पेंडुलम है उसका ऑसिलेशन क्या होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी. तो देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम. तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी है, हम लोगों को बताया गया है ऑसिलेट 40 टाइम्स, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 40 है. ठीक है, और टाइम टेकन कितना लगा है, 4 सेकेंड लगे हैं. तो कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 हर्ट्ज़. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन, कितनी ऑसिलेशन है और कितना टाइम लगा है. तो ऑसिलेशन है, देखिए ऑसिलेट्स 40 टाइम्स, तो 40 ऑसिलेशन है. और इन 4 सेकंड कितने टाइम में, 4 सेकंड में, 4 सेकंड में जो है पेंडुलम वो 40 बार ऑसिलेट हुआ है, मतलब इधर से उधर गया है. तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 40/4 इज इक्वल्स टू 10 हर्ट्ज़. टाइम पीरियड निकालते हैं हम लोग 1/फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी हम लोगों की 10 आई. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी 10 आई तो 1/10 इज इक्वल्स टू क्या, 0.1 सेकेंड. कैसे देख लेते हैं, चलिए एक बार दिखा देती हूँ करके. 10 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 10 1 जा 10. ठीक है, तो 0.1 सेकेंड कितना टाइम लगेगा, 0.1 सेकेंड लगेंगे. अब देखिए साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो
is produced when it vibrates its wings at an average rate of 400 vibration per second. What is the time period of the vibration? तो देखिए, जो एक मच्छर है, हमें उसके गुनगुन गुनगुन की आवाज़ आती है ना, वो इसलिए आती है क्योंकि वो जो अपने पंखों को ऑसिलेट करता है, कितना एवरेज तौर पर 500 बार वो वाइब्रेट करता है, मतलब 500 बार हिलाता है वो अपने पंखों को एक सेकंड में. सोच रहे हैं आप, एक सेकंड में 500 बार वो अपने पंखों को हिलाता है. तो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, तो एक वाइब्रेशन का क्या टाइम पीरियड होगा? मतलब आप देखिए, वो एक सेकंड में 500 बार जो है वाइब्रेट करता है, तो कितना टाइम लगेगा उसको वाइब्रेशन करने में, मतलब एक वाइब्रेशन का कितना टाइम होगा? तो टाइम पीरियड हमें पता है क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी, ये जो नंबर्स होते हैं ना कि कितनी एक सेकंड में कितनी बार करेगा, वही फ्रीक्वेंसी होती है. तो फ्रीक्वेंसी होगी 500, तो 1/500 आ जाएगा 0.002, और यहाँ पे सेकंड, तो 0.002 सेकंड. तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी है हमारी 500 हर्ट्ज, और टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी. तो 1/500 हो जाएगा 0.002 सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक. कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम? तो म्यूजिक में और नॉइज में क्या अंतर होता है, और क्या कई बार जो म्यूजिक है वो नॉइज, वो बहुत ही खराब आवाज़ बन जाता है? तो ये हमें बताना है. तो देखिए, इसका आंसर है नॉइज. पहले नॉइज देख लेते हैं. नॉइज क्या होती है? अनप्लीजेंट. अनप्लीजेंट का मतलब होता है खराब सी साउंड जो होती है, खराब सी आवाज़ होती है, उसको हम नॉइज़ कहते हैं. नॉइज़ प्रोड्यूस इररेगुलर वाइब्रेशन. जो नॉइज़ होती है ना, उसकी जो वाइब्रेशन होती है, उसका कोई पैटर्न नहीं होता है, एक अजीब सा, कभी ज़्यादा होता है उसमें वाइब्रेशन, कभी कम होता है. तो नॉइज़ जो है ना, वो प्रोड्यूस करती है इररेगुलर वाइब्रेशन, और अनप्लीजेंट साउंड जो है उसको हम नॉइज़ कहते हैं, और नॉइज़ इररेगुलर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है. म्यूजिकल, म्यूजिक जो है इसका बिल्कुल अपोजिट होता है नॉइज़ का. तो म्यूजिकल साउंड्स, म्यूजिकल साउंड इज़ वन इन विच विच इज़ प्लीजेंट टू हीयर. मतलब जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगता है, उसे हम म्यूजिक कहते हैं. म्यूजिक प्रोड्यूस रेगुलर वाइब्रेशन. नॉइज इरेगुलर वाइब्रेशन क्रिएट करता है, म्यूजिक जो है वो रेगुलर वाइब्रेशन क्रिएट करता है. अब देखिए, हाँ, जो म्यूजिक है वो कई बार नॉइज बन जाता है व्हेन इट इज़ प्लेड एट हाई वॉल्यूम. जब बहुत ही तेज़ आवाज़ में अगर म्यूजिक बजाया जाता है, तो लगता है ना कान दर्द हो गए, मतलब. तो क्या होता है, बहुत तेज़ आवाज़ की वजह से म्यूजिक हमें अच्छा नहीं लगता, वो नॉइज बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग. अपने आसपास जो नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज हैं ना, उनको आपको बताना है. तो टेलीविजन, टीवी बहुत तेज़ आवाज़ में देखते हैं तो बड़ा ख़राब लगता है, दूसरे के घर की आवाज़ भी आ जाती है कई बार. तो टेलीविजन, ट्रांजिस्टर रनिंग एट हाई वॉल्यूम, बहुत ही तेज़ वॉल्यूम में जब टेलीविजन को और इन सब चीज़ों को सुना जाता है, तो वो नॉइज पोल्यूशन बन जाता है. लाउड स्पीकर एंड क्रैकर. लाउड स्पीकर होते हैं ना, सुनिए सुनिए करके जो आ जाते हैं, और ये आज हमारी साड़ी इतने की बिक रही है, और टेलीविज़न पे इतना डिस्काउंट है, इस तरीके की जो अपने प्रमोशंस वगैरह करते रहते हैं. और फिर पटाखे, क्रैकर्स जो जलते हैं, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं. हॉर्न्स ऑफ बसेस, कार्स एंड ट्रक्स, हॉन्किंग. हॉर्न्स होते हैं जो वो बजाते हैं ना, पीपी जो बजाते हैं, तो वो हॉर्न बहुत तेज़, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में, जैसे कि क्रॉसिंग वगैरह से निकलते हैं, या फिर ट्रैफिक सिग्नल हो जाता है, तो कई बार बहुत ही हॉन्किंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग अपनी हॉर्न्स वगैरह बजाते हैं, तो कितनी गंदी साउंड आती है ना. तो वो भी क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है. और होम अप्लाइंसेज सच एज मिक्सर, डिज़र्ट कूलर एक्सेट्रा. तो जो हमारी मिक्सी वगैरह होती है, उसमें बड़ी गंदी आवाज़ आती है. डिज़र्ट कूलर मतलब जो घर के कूलर होते हैं, वो तो गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ करते हैं, है ना. तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं, वो नॉइज़ पोल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमंस. नॉइज पोल्यूशन ह्यूमंस के लिए किस तरीके से काफ़ी नुकसानदायक है, हार्मफुल है. तो देखिए, नुकसानदायक कैसे है, हियरिंग लॉस. हमारे जो कई बार होता है नॉइज पोल्यूशन की वजह से लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होने लगती है. इनसोमनिया, इनएबिलिटी टू स्लीप. इनसोमनिया का मतलब होता है नींद ना आना. तो देखिए, अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, तो नींद आने में तो दिक्कत होती ही है, तो हियरिंग लॉस. आसपास आपके हर समय खूब तेज़ आवाज़ें होंगी अगर, तो उस पर्सन के जिसके आसपास हमेशा आवाज़ें हो रही हैं, कानों में प्रॉब्लम हो सकती है. इनसोमनिया, नींद नहीं आती है. हाइपरटेंशन, लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन की प्रॉब्लम रहने लगती है. हेडेक, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक. सीवियर हेडेक का मतलब हो गया कि बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है. और स्ट्रेस, मतलब काफ़ी वही टेंशन वाली, स्ट्रेस वाली कंडीशन आने लगती है अगर आसपास हमेशा बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं तो.
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस, आपके पेरेंट्स घर खरीदने वाले हैं. दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड एंड अदर थ्री लेन्स अवे फ्रॉम द रोड साइड. विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाय? वाई मतलब बाय मतलब खरीदना, एक्सप्लेन योर रीजन. तो देखिए, आपके पेरेंट्स घर खरीदने वाले हैं, उनके पास दो चॉइस हैं. एक तो बिल्कुल मेन सड़क के पास, और मेन सड़क से दूसरा घर जो है, एक घर तो जो मिल रहा है वो बिल्कुल सड़क के पास मिल रहा है, दूसरा घर जो मिल रहा है वो तीन गलियां दूर मिल रहा है. तो आप अपने पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि उन्हें कौन सा घर लेना चाहिए? तो देखिए, आंसर आप दे सकते हैं इसका ऐसे करके, आई वुड सजेस्ट माई पेरेंट्स टू बाय थ्री लेन्स अवे फ्रॉम द रोड साइड, बिकॉज इन द रोड साइड हाउस देयर विल बी टू मच नॉइज ऑफ ट्रैफिक. तो आप कह सकते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से बोलूँगा या बोलूँगी कि आप जो है घर वो मेन रोड से तीन गलियाँ दूर लीजिए, क्योंकि मेन रोड पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक के जो व्हीकल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर, कैन यू एक्सप्लेन वाई? लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है ना, उसी को लाइटनिंग बोलते हैं. तो बिजली जो है हम लोगों को पहले दिख जाती है, और थंडर जो एकदम से गुड़ 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 करके आवाज़ आती है ना, बारिश के मौसम में थंडर एंड लाइटनिंग होता है, तो थंडर की आवाज़ जो है वो लेट आती है. तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन स्पीड ऑफ साउंड. लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोगों को लाइट पहले दिखाई पड़ जाती है और साउंड बाद में दिखाई मतलब सुनाई पड़ती है. नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आता है, वाई इज वॉइस ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन डिफरेंट? मैन की वॉइस, वुमेन की वॉइस और चिल्ड्रन की वॉइस अलग अलग क्यों होती है? तो देखिए, इसका आंसर है, देयर वॉइस आर डिफरेंट बिकॉज लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर लार्जेस्ट इन मैन एंड शॉर्टेस्ट इन वुमेन. तो जितना छोटा मतलब वोकल कॉर्ड होगा ना, उससे ज़्यादा जो है ना श्रिल वॉइस आती है, तीखी आवाज़ आती है, और जितना बड़ा होगा उतनी भारी आवाज़ आती है. तो सबका जो है आवाज़ डिफरेंट इसलिए होती है ना, क्योंकि हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उसकी सब लोगों की लेंथ अलग अलग होती है. बच्चों की अलग लेंथ होती है, बड़ों की अलग होती है, वुमेन की अलग, मैन की अलग. तो वुमेन की काफ़ी छोटी लेंथ होती है वोकल कॉर्ड की, मैन की काफ़ी बड़ी होती है. तो इस वजह से वोकल कॉर्ड की लेंथ की वजह से सबकी आवाज़ें अलग अलग होती हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच करेक्टरिस्टिक ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी डिटरमाइंस पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट? कौन सी जो करेक्टरिस्टिक है वाइब्रेटिंग बॉडी की, वो हमें बताती है कि उसकी जो साउंड होगी वो कैसी होगी? तो देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी मोर इज़ द फ्रीक्वेंसी, हायर विल बी द पिच एंड लेस द फ्रीक्वेंसी, लोअर विल बी द पिच. मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा पिच होगी. मतलब पिच एंड फ्रिक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितनी ज़्यादा पिच होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, तो ये वाली. और जितनी कम फ्रिक्वेंसी होगी उतनी कम पिच होगी. नेक्स्ट है, हाउ डू प्लांट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग नॉइज़ पोल्यूशन? प्लांट्स नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने में हमारी मदद किस तरह से करते हैं? तो देखिए, प्लांट्स रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला. प्लांट प्रोड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग साउंड. साउंड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. प्लांट्स एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स ड्यू टू विच इंटेंसिटी ऑफ साउंड रिड्यूसेस. तो प्लांट्स क्या करते हैं ना, जो जो साउंड होती है ना उसकी जो एनर्जी होती है साउंड वेव्स की, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. साउंड वेव की जो एनर्जी होती है, जब उसको अपने अंदर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इससे क्या होता है, साउंड की इंटेंसिटी जो है ना वो कम हो जाती है. तो साउंड की इंटेंसिटी कैसे कम होती है, साउंड वेव्स जो हैं वो क्या करती हैं, साउंड वेव प्लांट्स, देखिए दोबारा से बताती हूँ मैं आपको. प्लांट्स जो है ना वो साउंड वेव्स को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और जब जो अपने अंदर उन लोगों ने साउंड वेव की जो है खुद को समा लिया है वेव्स को, तो इंटेंसिटी कम हो जाती है. आप ऐसा करिएगा कभी, आप तकिए का अपने मुंह पे लगाइएगा और फिर बोलिएगा तो आपकी आवाज़ बाहर नहीं जाती. यही काम पेड़ करते हैं. पेड़ जो साउंड वेव्स होती हैं ना उसको अपने अंदर समा लेते हैं और साउंड जो है ना उससे कम हो जाती है. ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, लायरिस का स्केच तो आप लोग बुक से देख के बना लीजिएगा, हमें उसके फंक्शंस बताने हैं, तो फंक्शंस मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए, लायरिक्स होता क्या है, लायरिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ थ्रोट. थ्रोट होता है हमारा गला, हमारे गले में जो पार्ट होता है ना उसको हम लायरिक्स बोलते हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. तो लायरिक्स ही साउंड के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. लायरिक्स जो है मूव करता है, हिलता है लायरिक्स जब हम कुछ चीज़ स्वॉलो करते हैं, गटकते हैं कोई चीज़, तो लायरिक्स मूव करता है. इनसाइड द लायरिक्स देयर आर टू वोकल कॉर्ड्स.
दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनके बीच में ना थोड़ा सा गैप होता है और दिस गैप्स अलाउज एयर टू पास थ्रू। और ये जो गैप होता है ना वोकल कॉर्ड्स के बीच में, इसी से क्या होता है, हवा पास होती है। और जब हम बोलते हैं व्हेन वी स्पीक एयर इज़ फोर्स्ड इनटू दिस स्मॉल गैप बाय द लंग्स, जब हम बोलते हैं तो ये जो थोड़ा सा गैप होता है ना वोकल कॉर्ड्स के बीच में, लंग्स से इसी में हवा आती है। दिस प्रॉम्प्ट्स वोकल कॉर्ड्स टू वाइब्रेट, और इसकी वजह से वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं। सिंस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, तो अगर आपको इसका शॉर्ट में आंसर करना है ना कि लायरेक्स जो है, लायरेक्स का फंक्शन क्या होता है, लायरेक्स का फंक्शन होता है साउंड प्रोड्यूस करना। और साउंड वो कैसे प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आप बताएंगे सिंस वी नो दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड एंड वोकल इन वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशन अकर्स, सो वाइब्रेशंस एज वाइब्रेशन अकर्स सो वोकल कॉर्ड्स हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग साउंड। तो क्या होता है, देखिए लायरेक्स जो है ना, जब हम कुछ स्वॉलो करते हैं, कटकते हैं, तो लायरेक्स मूव करता है, लायरेक्स में वोकल कॉर्ड होते हैं और दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में छोटा सा गैप होता है जिसमें से हवा पास करती है, हवा पास करती है तो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन होती है तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। और इसी तरीके से वाइब्रेशन की हेल्प से वोकल कॉर्ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर करना है। देखिए एट्थ क्लास के जैसे ही आप लोग बोलते हैं ना कि ये वाला वीडियो चाहिए, मैं विद इन, मतलब आप समझ लीजिए मैं कुछ घंटों में आपके लिए वीडियो ले आती हूँ। तो आपका फ़र्ज बनता है भाई कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।